हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिकेशन गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो इस लास्ट लेक्चर बच्चे मैंने आपको प्रैक्टिस वन बनाया सी था। जो है क्लास सेकंड्स का, जिसमें आपको कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कैसे किया जाता है और एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म किया जाता है। दोनों फॉर्म आपने अच्छे से सीख गए होंगे, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। तो देखो कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयर मतलब क्या होता है, जब हम दो डिजिट को कंपेयर करते हैं, इट मीन्स तुलना करते हैं, राइट। तो ये जो कंपेयरिंग है ना, तीन तरीके का होता है। एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है और इक्वल टू होता है, ठीक है। और ऑर्डरिंग जो होता है ना, दो तरीके का होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है कि छोटा से बड़ा होता है, और डिसेंडिंग क्या होता है बड़ा से छोटा होता है, राइट। तो ये पाँचों बात को आज हम डिस्कस करेंगे और इनके बेसिस पे जो है हम सेल्फ प्रैक्टिस भी क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंपेयरिंग टू नंबर्स मीन्स दैट फाइंड आउट ऑफ द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जब भी आप कंपेयर करते हो तो तीन तरीके से करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल्स अगर आप देखें तो आप ये देखो, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इनको आपको यहाँ पे क्वेश्चन से समझाया गया है। देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 43 है, तो 12 और 40 में कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देख के ही बता पाओगे ये 12 है और ये 43, तो 43 बड़ा होगा, तो देखो इसके तरफ घुमा हुआ है। तो एक चीज ये याद रखना, ये जो आप देख पा रहे हो ना सिंबल्स, ये जिस साइड होता है ना वो डिजिट बड़ा होता है, और ये जिस साइड होता है ना उस साइड छोटा होता है। यानी आपने मछली का तो मुंह बड़ा ही होगा, तो मछली का मुंह जो होता है वो छोटा होता है और उसके जो पीछे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो दैट मीन्स सेम, या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 इज लेस देन 43, तो 43 से जो 12 है ना वो कम है। अब आप यहाँ पे देखें 65 है और 18 से, तो 65 और 18 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, 65 बड़ा होगा। तो देखो हमने क्या बताया था, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, तो देखो इधर है और ये इधर है, छोटा है, तो 65 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये 51 है और यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे दोनों कैसा दिख रहा है आपको, कंपेयर कीजिए तो दोनों इक्वल ही है। तो जब दोनों इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, 51 इज द इक्वल, और ये इक्वल का सिंबल्स है तो आप इक्वल का सिंबल्स डाल देंगे, क्लियर। चलो आगे, बस 1D दिया हुआ है अभी जो हमने कंपेयर देखा उनके अकॉर्डिंग। तो कह रहे फिल इन द सर्कल विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ऑल्सो रीड द नंबर सेंटेंस अलाउड। अच्छा, और ये सेंटेंस को रीड भी करना है। तो पहला ए पार्ट में देखिए 67 है और 70 है, तो 67 और 70 में अगर आप कंपेयर करते हैं तो कौन सा बड़ा होता है, तो 70 बड़ा होगा, तो कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो इस साइड जिधर रहता है ना वो बड़ा होता है और इधर छोटा होता है, तो ये वाला सिंबल आप देंगे, इसमें से ढूंढिए, ये रहा, ये वाला सिंबल आ जाएगा। और बी पार्ट में देखो 55 है और 52 है, तो इस दोनों में से कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली 55 बड़ा होगा, तो आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे, देखिए कौन सा सिंबल लग रहा है, ये वाला सिंबल लग रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखते हैं 64 है और यहाँ पे भी 64 है, तो 64 64 में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 64 ही आएगा, है ना, दोनों तो सेम ही है ना, तो सेम का क्या सिंबल आता है, इक्वल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप इक्वल लगाइए, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट में आप देखिए, तो डी पार्ट में देखेंगे 25 और 35 से, तो 25 और 35 को अगर आप कंपेयर करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 35 बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो आप इस तरीके से सिंबल बना दीजिए, तो ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 14 और 35 में अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो कौन सा बड़ा होता है, ये आपको बताना पड़ता है। तो देखो ये वाला बड़ा होगा, तो ये आपको इस तरीके से सिंबल लगाना है, ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 35 है और 25 है, तो 35 और 25 में कौन सा बड़ा है, कंपेयर करना है आपको, तुलना करना है आपको, है ना। तो देखो 35 बड़ा है तो आप इस तरीके से सिंबल लगा दो, क्योंकि ये जिस दर होता है ना, अभी जो मछली का कहानी मैंने बताया, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 92 है और 89 से, तो 92 89 में अगर आप कंपेयर करते ना तो कौन सा पार्ट बड़ा होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इधर घुमा दिया हमने, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। 12 और 15 में देखो तो ये तो बहुत कॉमन है, तो ये आप कहेंगे 15 बड़ा है। 64 69 में क्या होगा, 94 बड़ा होगा, तो इस तरीके से। तो आई थिंक आपको जो है ना कंपेयर करना सीख गए कि कैसे सिंबल्स, तीन सिंबल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग आपको सिंबल्स लगाने हैं और आपके आंसर्स लाने हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राइट द, है ना, क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं,
है ना। और इसका कह रहे कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर दिख। स्मॉलेस्ट क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर होता है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? जो सबसे बड़ा है। इट मीन्स इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा हमें ढूंढना है। देखो 48 है, 44 है, 21 है और 9 है। तो सबसे छोटा तो मुझे 9 लग रहा है, तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो 48 है, तो हमने यहाँ पे 48 डाल दिया। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में देखो 75 है, 29 है, 13 है और 89 है। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है मुझे? 13 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 89 से, तो यहाँ पे 89 लिखा। और यही क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे छोटा नंबर बताइए और सबसे बड़ा नंबर बताइए। तो दोनों नंबर हमने देखा और इसमें से पिक करके हमने लिख दिया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या कह रहे हैं, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे असेंडिंग तो नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, डिसेंडिंग दे रखा है। तो इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में सजाना है। और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? घटते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम क्या होगा? छोटा से बड़ा। और घटते क्रम क्या हो गया? बड़ा से छोटा, जब ही तो होगा, है ना। ठीक है, तो देखो यहां पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इस नंबर को आपको अरेंज करना है। तो 39 है, 73 है, 95 है, 48 है। तो हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग मतलब क्या होगा? इसमें जो सबसे छोटा नंबर है पहले वो लेंगे, वो लिया हमने, फिर इससे बड़ा जो नंबर है वो लिया, फिर इससे जो बड़ा नंबर है वो लिया, और इससे जो बड़ा है ये, मतलब चार नंबर दे रखे हैं, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और जस्ट रिवर्स कर देंगे डिक्रीजिंग में, इसका उल्टा, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, खत्म, ये आ जाएगा। मतलब एक फॉर्म आप कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दो तो उसका उल्टा कर देना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लो तो उसका उल्टा कर दो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि डिजिट तो वही दे रखा है, डिजिट में तो कोई वैली नहीं कर रहा है ना, तो सिंपल सा बात है, यूएम कर देंगे। अच्छा, बी में भी यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 25, तो हमने 25 लिखा। इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाए, और इसी नंबर का ये हमें कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर भी करिए। तो जस्ट हमने उल्टा कर दिया, पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर दे रखा है इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 32 है, फिर 75 है, 89 है, 90। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और इसी नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो जस्ट रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया, तो ये नंबर आ गया हमारा। अच्छा, इस पार्ट में देखो, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 67 है, तो पहले ये लिखा, फिर 68, 99 और 100। और इसी नंबर का हमें कह रहा है डिक्रीजिंग फॉर्म की, तो जस्ट उल्टा कर दो आप, तो उल्टा कर दिया हमने, 100, 99, 68, 67, तो ये हमारा क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो आई होप ये पांचों जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया और एक फील आ गया होगा कि यस, आई हैव अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन इजिली वे, एंड आई विल डू द लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दैट वे। ओके, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।